Assalamu alaikum, dear student. I am Sayyid Arbaaf Fatima. We are doing chapter number 12, Angle in a Segment of a Circle, grade 10th. Today, we are going to prove the last theorem, basically, which is the fourth theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Fourth theorem of this chapter, we are going to prove today. So, first, understand the statement of the theorem. The opposite angles of any quadrilateral inscribed इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री तो यहाँ पे स्टूडेंट uh, हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जिनको पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिर हम अपने चलते हैं प्रूफ की तरफ पहला है हमारे पास सप्लीमेंट्री उसके बाद देखना है कि कॉर्डिलेटर वैसे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बस हम रिकॉल करेंगे देन इंस्क्राइबड अब हमने बताना क्या है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने वर्ड देखा इंस्क्राइबड

ओके okay, उसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या कहा गया है ऑपोजिट एंगल्स की बात की है क्वाड्रिलेटरल की हमने क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट हमने ये प्रूफ करना है कि वो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हैं वो हैं 180 डिग्री वो ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं एंगल बी एंगल डी एंगल एट ए वोटेक्स एंगल एट सी वो इट मीन्स मैं एक क्वारेटरल यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल ऐसे फिगर को कहते हैं जिसके हमारे पास फोर साइड्स होती हैं और फोर ही वर्टिस होते हैं बेसिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे इस एंगल के ऑपोजिट ये एंगल है और इस एंगल के ऑपोजिट हमारे पास ये एंगल है बेसिकली हमें प्रूव करना है ये दो एंगल्स और ये दो एंगल्स आपस में क्या हैं सप्लीमेंट्री हैं इट मीन्स इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट कौन से एंगल है वो बताने लगी हूँ अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो आंसर क्या होना चाहिए वन एटी डिग्री या हम दूसरा ये भी प्रूव करेंगे कि हम इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करें तो एंगल क्या होगा हमारे पास एंगल होगा वन एटी डिग्री अब क्योंकि ये क्वारेटर यहाँ पे टिल्ट करके बना हुआ है तो जो इसके अकॉर्डिंगली है मैं वही मैंशन करती हूँ दिस इज़ बी दिस इज डी दिस इज ए एंड दिस इज सी तो ये हमारे पास क्वारेटर है जो कि हम सर्कल के अंदर जिसको कर रहे हैं डिस्कस ओके okay. अब देखें स्टूडेंट फिगर को हम पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं अब इस क्वाड्रिलेटरल में मैं देख रही हूँ कि ये जो मेरे पास ओ है ये इसको शो कर रहा है दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ये सर्कल का सेंटर है हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सेंटर आ गया स्टूडेंट्स और ये थ्री वर्टिसेस आगे कोऑर्डिलेटरल के अब हमने किया क्या है अपनी जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है कि हमने जॉइन कर दिया है ओ को ए के साथ भी और ओ को कर दिया है ज्वाइन सी के साथ भी ये क्यों किया है ये इसलिए किया है कि ताकि हम अपने थेरम वन के स्टेटमेंट को यहाँ पर कर सकें अप्लाई अब स्टूडेंट जरा गौर करें एंगल बी और एंगल डी पे एंगल बी और एंगल डी हमें नज़र आ रहा है क्योंकि सरकम के ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों ही कौन से एंगल्स हैं सरकम एंगल्स हैं हमारे फिगर में जो एंगल बी और एंगल डी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको सरकम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर मैंशन कर देते हैं हमारे पास एंगल एट बी वर्टेक्स एंड एंगल एट डी वर्टेक्स बोथ आर रिप्रजेंटिंग द सर्कम एंगल ये हमारे पास सरकम एंगल हो गया और यहाँ पे जो हमारे पास अब दो हमें नज़र आएंगे सेंटर सेंट्रल एंगल्स हमें दो नज़र आएंगे कौन से स्टूडेंट्स एक ये देखिए एक ये सेंट्रल एंगल है ऊपर वाला और ये भी एक सेंट्रल एंगल ही है ये भी सेंटर के साथ एंगल बन रहा है जो कि हमें यहाँ पर मैं इसको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस शेड करने लगी हूँ ये इसकी मैं बात कर रही हूँ ये ये भी हमारे पास सेंट्रल एंगल है स्टूडेंट और ये भी क्या है सेंट्रल एंगल अब हम अपने डिस्कशन करेंगे किस तरीके से अब हमने मेजर और माइनर आर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो हमने क्या करना है मेजर और माइनर आर के कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर अप्लाई करना है और अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम हमें जो प्रूफ करनी है यहाँ पे स्टेटमेंट उसको हम करेंगे प्रूफ तो सबसे पहले तो मैं राइट करने लगी लग हूँ गिवन फिर हम साथ इसको सा करते जाएंगे अंडरस्टैंड ए बी सी डी Is a quadrilateral quadrilateral inscribed in a circle with center O. स्टूडेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारे पास ए बी सी डी ए कोर्डुलेटर है जिसका सेंटर क्या है सेंटर ओ है अब यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है टू प्रूव सो वट वी हैव टू प्रूव हमने जिस तरह के भी मैंने बताया कि ऑपोजिट जो एंगल्स हैं उनको हमने प्रूव करना है कि वो क्या है सप्लीमेंट्री हैं इसी को मैं यहाँ पर करने लगी हूँ राइट right? अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास ऑपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं ए वर्टेक्स पे और सी पे इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए वन एटी डिग्री के और जो नाइन्टी डिग्री के जिनका सम इक्वल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सप्लीमेंट्री नहीं ओके सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर मैर एंगल ए प्लस मैयर एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ये हमें प्रूफ करना है उसके बाद बी और डी को प्रूफ करना है मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल डी शुड बी इक्वल्स टू प्रूव टू बेसिकली कंडीशन एंड वन टू इक्वेशंस। ओके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या की है सो कंस्ट्रक्शन क्या की जैसे कि मैंने बताया था कि हमने ओ ए और ओ सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है किस तरीके से ओ को ज्वाइन कर दिया है ए के साथ और ओ को ज्वाइन कर दिया है सी के साथ इसी चीज को मैं करूंगी यहां पर मैंशन कि हमने कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हैं ड्रॉ ओ ए लाइन सेगमेंट एंड ओ सी लाइन सेगमेंट्स और उसके बाद हमने क्या किया है हमने नेम राइट कर दी है एंगल्स के राइट right, अब ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करना है राइट एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स एंड एंगल सिक्स एस योन इन द फिगर एस योन इन द figure yes students we have done with given to prove and with the construction now we are going to start the proof with the help of statements and their reasons statements and we are going to write their reasons over here अब हम अपने डिस्कशन किस तरह स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हमने बात वही करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सेंट्रल एंगल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर करने जा रहे हैं अप्लाई बेसिकली सेंट्रल एंगल और सरकम एंगल को किस तरीके से हमने थिरम वन में अंडरस्टैंड किया था इसको अप्लाई करेंगे और मेरे अभी देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो सेंट्रल एंगल हैं यहाँ पर और दो हैं हमारे पास सरकम एंगल ये दोनों सेंट्रल हैं ये दोनों हैं सरकम अब हम क्या करेंगे बारी बारी दो आर्क्स को करेंगे डिस्कस एक आर्क पे हमारे पास एक सेंट्रल होगा एक सरकम होगा फिर जब हम दूसरी आर्क की बात करेंगे उस पर भी एक सेंट्रल होगा और एक होगा सरकम अब देखें पहले हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ए डी सी आर्क अब देखें हमारे पास दो आर्क्स हैं एक है माइनर एक है मेजर अब ये वाली जो है यहाँ मतलब इसको हम अगर इस तरीके से मैं प्रोमनेंट कर दूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास आर्क है वो बेसिकली है माइनर आर्क और स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो आर्क है वो बेसिकली क्या है मेजर आर्क अब हम क्या करेंगे वन बाय वन इनको यूज़ करने लगेंगे सबसे पहले मैं बात करने लगी हूँ मेजर आर की जो कि है ए डी सी अब देखिए स्टूडेंट ए डी सी के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं जो हमारे पास एंगल टू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब इस आर के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हमारे पास टू क्या आ गया सेंट्रल एंगल आ गया और सेंट्रल एंगल के साथ साथ ये हमारे पास क्या आ गया ये वाला एंगल हमारे पास स्टूडेंट आ गया कि हमारे पास कौन सा एंगल है ये एंगल है हमारे पास सरकम एंगल तो मैं लिख सकती हूँ कि ये जो एंगल है बेसिकली सेंट्रल uh, एंगल क्या होता है डबल होता है सरकम एंगल का हम पहले इस आर्क पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं मतलब बी के अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर हम जब माइनर आर्क की बात करेंगे ए बी सी आर्क पे देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो फोर है वो बेसिकली है सेंट्रल एंगल और डी है हमारे पास सरकम एंगल तो हम मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अपने करने जाने प्रूफ को स्टार्ट मैं यहां पर मैंशन करने लगी हूं स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क मैं कौन सी आर्क ले रही हूं स्टूडेंट मैं आर्क ले रही हूं ए डी सी अब स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी सी में हम बात करेंगे कि हमारे पास सेंट्रल एंगल कौन सा है एंगल टू इज अ सेंट्रल एंगल ओके ये हमने यहाँ पर कर दिया है मैंशन अब इसके रीजन को भी यहाँ पर लिख देंगे आर्क ए डी सी ऑफ द आर्क ए डी सी ऑफ द सर्कल विद सेंटर विद सेंटर ओ यहाँ पर हमने इस चीज को कर दिया है मैंशन अब क्योंकि मैंने बता दिया है सेंट्रल एंगल कौन सा है और हम कौन सी आर को लेकर चल रहे हैं अब हम बात करेंगे सर्कम एंगल की जिसको मैं यहाँ पर करने लगी हूँ मैंशन वेयर एज एंगल बी इज द एंगल बी इज दर्कम एंगल एंगल बी अगर हमारे पास सर्कम एंगल है तो हम फर्स्ट थेरम की स्टेटमेंट को अप्लाई करते हुए यहां पर क्या राइट कर सकते हैं उसको मैं करने जा रही हूं मैंशन मयर एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मयर एंगल टू ओके और इसे मैं कह दूंगी क्वेन नंबर वन अब ये बेसिकली मैंने कैसे लिखा है इसको समझने की करें कोशिश स्टूडेंट हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास होता है सेंट्रल एंगल वो डबल है किसका सर्कम एंगल का तो बेसिकली किया कुछ नहीं है टू यहाँ पर आना था लेकिन हमने टू को दोनों तरफ डिवाइड किया तो टू यहाँ पर डिवाइड हो गया तो हम इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हैं सेम इस बात का भी यही मतलब है जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम में स्टेटमेंट में कही थी ये कोई और बात नहीं यहाँ पर कही गई मतलब क्या हमने बात किया था कि अगर हमारे पास जो था सेंट्रल एंगल था सेंट्रल एंगल स्टूडेंट बेसिकली किसके इक्वल था डबल ऑफ सरकम एंगल के तो सरकम एंगल यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई सेंट्रल एंगल के साथ हो जाएगा जाकर डिवाइड तो यही काम मैंने किया है कि हमने स्टेटमेंट यूज की है थेरम वन की और इस तरीके से इसको कर दिया है मेंशन अब मैं रीजन लिखूंगी बाय थेरम अब इक्वेशन नंबर वन जैसे बनाई बिल्कुल इसी तरीके से हम इक्वेन नंबर टू को बनाएंगे बात कहाँ से करेंगे स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क अब ए डी सी की जगह ले लेंगे ए बी सी Standing on the same arc. अब आर्क हम क्या ले रहे हैं ए बी सी जहां पर हम देखेंगे एंगल अभी हमने बात टू की, की थी एंगल फोर क्या होगा हमारे पास इज सेंट्रल एंगल और हम यहां पर रीजन मेंशन कर देंगे आर्क ए बी सी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ आर्क अब देखिए यहाँ पर हमने एडीसी कहा था तो यहाँ पर क्या आ जाएगी ए बी सी ऑफ द सर्कल विद विद सेंटर ओ अब जैसे मैंने यहाँ उसके बाद फिर किसका बताया था सर्कम एंगल का बताया था तो मैं वही यहाँ पर भी मेंशन करूंगी कि इसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास स्टूडेंट क्या है सर्कम एंगल सबसे पहले तो हम उसको यहाँ पर करेंगे राइट वेयर एज एंगल डी इज द सर्कम एंगल अगर एंगल डी हमारे पास सरकम एंगल है स्टूडेंट तो मैं फिर स्टेटमेंट थ्योरम की यूज़ करूँगी थ्योरम नंबर वन की और इक्वेशन राइट कर दूँगी और वो इक्वेशन क्या आएगी वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी मेजर एंगल डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजर एंगल फोर बिल्कुल उसी सेम रीज़न से जैसे कि मैंने अभी आपको किया था एक्सप्लेन इसे हम क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर टू कह देंगे और रीज़न में क्या लिखेंगे बाय थ्योरम वन अब देखें स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन आ चुकी है मुझे क्या प्रूफ करना था मुझे जो प्रूफ करना है मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल मैं बी को प्लस करूं और एंगल डी को प्लस करूं तो आंसर क्या होना चाहिए वन एटी डिग्री आंसर होना चाहिए तो अब देखें कि अभी तक हमारे पास कौन कौन सी इक्वेन आ गई एक इक्वन में हमने कहा है जो एंगल टू है बेसिकली उसका हाफ़ हमने एंगल बी ले लिया है और इसी तरीके से एंगल जो फोर है उसका हाफ़ हम एंगल डी पे ले चुके हैं तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ इन दोनों को करने जा रही हूँ ऐड ऐड करके बाद इसको हम करेंगे इस तरीके से राइट right. तो मैं अब क्या करूँगी स्टूडेंट वन और टू को यूज़ करते हुए मैं इनको करने जा रही हूँ ऐड तो हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल डी इक्वल्स टू अब ये वाली साइड इन साइड्स के अकॉर्डिंगली हो जाएंगी ऐड हाफ ऑफ़ मैर एंगल टू प्लस हाफ ऑफ़ मैयर एंगल फोर ये मैंने इनको इस तरीके से कर दिया है ऐड ये स्टूडेंट इससे फर्दर हम करने लगे हैं कॉन्टिन्यू सबसे पहले इसका रीजन लिख देते हैं हमने क्या किया यहाँ पे ऐड किया हमने क्वेन नंबर वन और क्वेन नंबर टू को एडिंग वन एंड टू ओके स्टूडेंट यहाँ पर हमने इनको एड कर दिया है अब हम क्या कर रहे हैं देखिए इनमें से मैं वन बाई टू ले सकती हूँ कॉमन तो कुछ मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा आ जाएगा मेरे पास मयर एंगल बी प्लस मयर एंगल डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मयर एंगल टू हाफ हमने कॉमन ले लिया है मयर एंगल फोर अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये जो है हमारे पास टू और फोर मिलकर क्या बना रहे हैं ये बना रहा है टोटल सेंट्रल एंगल देखें यहाँ से यहाँ देखें पूरा हमारे पास कंप्लीट सेंट्रल एंगल बन रहा है और हमें पता है जो कंप्लीट सर्कल होता है वो उसका एंगल क्या होता है थ्री सिक्सटी डिग्री तो 360 डिग्री को मैं कितने राइट right ट्राइंगल्स में या राइट right एंगल में कर सकती हूँ कट वो है हमारे पास फोर राइट एंगल्स तो यहाँ पे पहले मेंशन कर देंगे कि ये क्या आ गया टोटल सेंट्रल एंगल आ गया उसके बाद मैं यहाँ पर राइट कर दूंगी कि हम टोटल सेंट्रल एंगल को लिख सकते हैं फोर राइट एंगल्स फोर इंटू राइट एंगल्स बेसिकली सो एम गोइंग राइट ओवर हाफ ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल ओके अभी हमारे पास टोटल सेंट्रल एंगल आ गया मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज़ मैर एंगल बी प्लस मैयर एंगल डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ फोर टाइम्स ऑफ राइट एंगल जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ राइट एंगल तो टू टाइम्स ऑफ राइट एंगल फ्रंट क्या होता है 90 प्लस नाइन्टी इक्वल्स टू वन डिग्री होता है तो यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी यहाँ पर जो कि मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर राइट right? के जो हमारे पास एंगल uh, बी है प्लस एंगल डी वो किसके इक्वल होगा वन के मैं ये यहाँ पर uh, बुक में ऐसा मैंशन नहीं है बट मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ हम जो प्रूव करना चाह रहे थे अब ये क्या होगा हमारे पास वन आ गया सम तो ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर राइट किया है बट बुक में ये फॉर्म यूज़ की गई है और इस फॉर्म को भी अंडरस्टैंड करना कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाइन्टी डिग्री एंगल को अच्छा जैसे हमने आ, इसको प्रूव किया है स्टूडेंट इसम सेम मेथड को यूज़ करते हुए हम प्रूव कर सकते हैं बाकी दो एंगल्स को भी कि वो क्या है सप्लीमेंट्री हैं और मैंने बेसिकली क्या शो करना है कि वो क्या है डबल ऑफ द राइट एंगल मैं इसी को यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा similarly सिमिलरली वी कैन राइट here angle A plus प्लस मयर angle C equals to two times of right angle. तो so, यही चीज़ मुझे वहाँ पे भी प्रूफ करनी थी और यहाँ पर भी करनी थी जो कि मैं कर चुकी हूँ सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेन बेसिकली जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी यह yes, स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से हम अपने जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनको राइड कर सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो आई होप जिस तरीके से हमने इसको किया है आपको सारे पॉइंट हो चुके हैं क्लियर दैट्स एट यह स्टूडेंट हमने जो आज थेरम किया है वो और इसके अलावा जो हम तीन थेरम्स पहले कर चुके हैं उनके स्टेटमेंट को भी अच्छे से करें अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करने के बाद कोई शॉर्ट की पॉइंट में उनको रखें याद सी एन द नेक्स्ट लेक्चर Take care of yourself. Allah Hafiz.